अरे तेम्बा यार भाई, कैसा लग रहा है मैच हार के? अरे भैया, हमने तो तुमसे पहले ही कहा था, मत लेना हमसे पंगा, वरना हम कर देंगे तुमको नंगा। अब देख रहे हो गए नंगे? अब बताओ कैसा लग रहा है? अबे रोहित भाई यार, देखो ज़्यादा मज़े नहीं लो। अरे भैया, पहला मैच हम जानबूझ के हारते हैं और दूसरे मैच में विरोधी टीम को हल्के हाथों से मारते हैं, समझे? अरे तेम्बा यार भाई, तुम जानबूझ के हारो या विरोधी टीम को दूसरे या फिर पहले ही मैच में मारो, लेकिन भैया हमारे एक बात सुन लो। देखो भैया, हम जो भी मैच जीतते हैं वो जीतते हैं अपने आप, क्योंकि पूरी दुनिया में हम इंडिया वाले ही हैं, सबके बाप। अरे रहने दे सूर्या, रहने दे। अरे भैया, एक मैच में तुक्के से रन क्या बना लिए, तुम तो हवा में लात मारने लगे। अरे भैया, पहला मैच तुम जीते हो, दूसरा मैच हम जीतेंगे और तुम्हारे सारे गेंदबाजों को मैदान में खड़े खड़े पीटेंगे। अरे रहने दो डीको के यार भाई, इतनी लंबी लंबी फेंकने की जरूरत नहीं है। अरे भाई, वो तो हमने पहले ही मैच में देख लिया, तुमने कितनी कुटाई करी है हमारे गेंदबाजों की। अब एक बात हमारी भी सुन लो। अरे तुम लोग हमारे गेंदबाजों को पीटो, ये मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ। परिस्थिति के हिसाब से खेलता हूँ, आउट होना नहीं जानता हूँ, समझे? अरे भाई, तुम लोग बड़ा मुंह चला रहे हो। अरे भैया, रोहित, राहुल, सूर्य कुमार, अब तुम तीनों हो जाओ तैयार। मिलर करेगा ऐसा बार कि तुम लोग पड़ जाओगे एक ही झटके में बीमार। अरे मिलर यार भाई, तुम्हारी तो तारीफ करनी पड़ेगी अब हमको। अरे भैया, तुम हम तीनों को एक ही झटके में बीमार कर रहे हो। अरे भैया, मजा आ गया तुम्हारी ये तुकबंदी सुन के, लेकिन यार अब एक बात हमारी भी सुन लो। अरे हम पहला मैच जीते हैं, उसी तरह दूसरा मैच भी जीतेंगे और सीरीज की उम्मीद तुम लोग छोड़ दो, क्योंकि ये सीरीज हम ही जीतेंगे। अरे रोहित भाई यार, देखो मैच जीत गए हो तो बार बार मैच जीतने की बात नहीं करो। अरे भैया, हमें तो तुम्हारे गेंदबाजों ने हराया, तुम्हारे बल्लेबाजों में कहाँ दम था, और हम मैच भी वो हारे जिसमें हमारा स्कोर कम था, समझे? अबे ये राहुल और सूर्या ने तो घंटा भी रन नहीं बनाए, वो तो हमारा स्कोर कम था इसीलिए हम मैच हार गए, समझे? अरे डीको के यार भाई, अब तुमको कौन समझाए? अरे भैया, तुम भी एक नंबर के चूतिया हो। अरे जब हम कह रहे हैं हमारे गेंदबाजों में दम था इसीलिए तुम्हारा स्कोर कम था, समझे? अरे हमारे गेंदबाजों में दम नहीं होता तो तुम स्कोर बना लेते, लेकिन यार अफसोस तो यही है, हमारे गेंदबाज इतने दमदार थे कि उनके आगे स्कोर बनाने की तुम्हारी औकात ही नहीं थी। अरे सूर्या यार भाई, देखो तुम ये बेफालतू की बकवास मत करो। अरे भैया, इस मैच में हम जल्दी आउट हो गए, अच्छा नहीं खेल पाए, इसीलिए तुम्हारे गेंदबाजों को भी नहीं पेल पाए, लेकिन अगले मैच में हम थोड़ा अलग अंदाज में खेलेंगे और तुम्हारे इन्हीं गेंदबाजों को भूसा में लठ की तरह पेलेंगे, समझे? अरे वाह डीको भाई वाह। अरे भैया, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अरे भैया, जैसे तुम खेलोगे वैसे ही हम भी खेलेंगे और तुम भूसा में लठ की तरह पेलोगे, हम मैदान में खड़े खड़े पेलेंगे। अरे रहने दो मिलर, डीको। अरे भैया, तुम बेफालतू की बकवास बहुत करते हो। अरे जब हमने पहले ही कहा था हमसे मत लेना पंगा वरना हो जाओगे नंगा, और भैया देखो तुम नंगा भी हो गए और इस बार तुम फिर पंगा ले रहे हो। अरे भैया, तुम हो हमारे आगे बच्चा और हमसे लोगे पंगा तो हम फाड़ देंगे तुम्हारा कच्चा, समझे? अरे वाह रोहित भाई वाह। अरे भैया, एकदम सही बात कही है तुमने इन लोगों से। अरे दोस्तों, अरे भाई तुम ही बताओ, ये रोहित भैया ने कच्चा फाड़ने वाली बात सही कही है कि नहीं, कमेंट में बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करना भूल मत जाना। और भैया, अगर तुम फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हो तो हमें फॉलो ज़रूर कर लेना, ठीक है?